नमस्कार, मैं उप्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बिहार के सभी जिलों के पर्यटन स्थलों की अपनी सीरीज में। आज रोहतास जिले दर्शनीय स्थलों की जानकारी को लेकर, ऐतिहासिक रूप से मौर्य काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का हिस्सा रहे बिहार के रोहतास जिले में पर्यटन के कई आकर्षक स्थल है, साथ ही कई मिलजुल कर मनाए जाने वाले महोत्सव है जो इस जिले की खूबसूरती को बयां करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रोहतास गढ़ का किला। भारत के प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाला रोहतास गढ़ का किला साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह किला रोहतास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशुंक के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने किया था। रोहतासगढ़ जलप्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी से मिल जाते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थान को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं। माना जाता है कि यह किला कई सालों तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक वर्षों तक इस किले पर उनका अधिकार रहा। इस किले का इतिहास 1857 में हुए स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। आगे हम बात करेंगे मांझर कुंड और धुआं कुंड की। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड और धुआं कुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने एवं प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मांझर कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मांझर कुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआं कुंड का नाम मिल गया है। यह स्थान युवा एवं सभी के बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। सावन खत्म होने के तुरंत बाद के रविवार को यहाँ लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है। आगे हम बात करेंगे गुप्तेश्वर धाम गुफा की। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदि काल से होता आ रहा है। इस गुप्ता धाम के संबंध में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म होने की शक्ति का वरदान किया था। भस्मासुर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। वहां से भागकर भोले यहीं की गुफा के गुप्त स्थान में छुपे थे। भगवान शिव के इस विवशता को देख भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया था। हालांकि गुप्ता धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक यही तय नहीं कर पाए हैं कि यह गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। गुफा में गहन अंधेरा होता है, बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का द्वार 18 फीट चौड़ा है और 12 फीट ऊंचा मेहराब नुमा है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें साल भर पानी रहता है। श्रद्धालु इसे पाताल गंगा कहते हैं। इसके कुछ आगे जाने के बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गुफा के अंदर अवस्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर हमेशा ऊपर से पानी टपकता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस स्थान पर सावन महीने के अलावा सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के मौके पर मेला भी लगता है। आपको बता दें, गुप्ता धाम जाने के लिए कई दुर्गम रास्ते एवं पहाड़ियों से गुजरना होता है। अब आगे हम बात करेंगे पायलट बाबा धाम की। जिससे जिले के सासाराम में पायलट बाबा धाम की खासियत यह है कि यहाँ परिसर में सभी धर्मों को स्थान दिया गया है। आश्रम परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है जिसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यहाँ सोमनाथ मंदिर का नजारा देखने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हालांकि यह मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 110 फीट ऊंची भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा है। इस परिसर में भगवान बुद्ध के बड़े प्रतिमा के साथ उनके जीवन में घटित सभी घटनाओं का चित्रण किया गया है जो भक्तों को मंद मुग्ध कर देती है।
आगे हम बात करेंगे शेर शाह सूरी मकबरा की। शेर शाह सूरी का मकबरा जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह मकबरा शेर शाह के जीवन काल के साथ साथ उसके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल में बनाया गया था। इसका निर्माण शेर शाह के देहांत के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 में हुआ। सासाराम में स्थित यह मकबरा कृतम झील के बीच बना हुआ है। यह मकबरा इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे हम बात करेंगे माँ तारा चंडी मंदिर की। माँ तारा चंडी मंदिर सासाराम शहर में स्थित है। भारत के अन्य शक्तिपीठों में इस पीठ का स्थान भी प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में है। इस पीठ के बारे में यह कहा जाता है कि सती के नेत्रों में से श्री विष्णु के चक्र से खंडित होकर दाया नेत्र यहीं पर गिरा था, जो तारा शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारा रखा था। दरअसल यहीं पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु को पराजित कर माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा इस शक्तिपीठ में बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और यहीं पर चंड का वध कर चंडी कहलाई थी। रोहतास जिले के अन्य गंतव्यों में आप दुनिया का चौथा सबसे लंबा 1407 मीटर बांध भी देख सकते हैं, जो इंद्रपुरी बराज सोन नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख उत्सव के बारे में। झांझरकंड महोत्सव सासाराम से 6 किलोमीटर दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड और धुआं कुंड के बीच में लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े झरने हैं। इस स्थान पर सिख समुदाय के लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। इसका आयोजन बरसात के मौसम में विशेषकर शनिवार और रविवार को किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए औरंगाबाद, आरा, पटना और कोलकाता तक से लोग आते हैं। बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले का वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।